जैसे रूपा जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन में आपको क्या लगता है, क्योंकि देख रहे हैं कि मंडियों में आवकों का दबाव है और विदेशों में भी जो सप्लाई है वो बाधित हो रखी है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना में भी ऐसी अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ पे प्रोडक्शन कम रह सकता है, हालांकि अभी बारिश पर डिपेंड करेगा, लेकिन अभी तक अनुमान यही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या आगे सोयाबीन में मंदी रहेगी या तेजी? देखिए मसालों, अगर तेलों की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में प्रेशर है, लेकिन विदेशी बाजारों के को अगर हम स्टडी करें तो फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है मसालों इसके तेलों के लिए, और उनमें एक तेजी का रुझान जो है वो बनता हुआ आगे देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए बाजार काफी सुस्त है और मुझे लगता है कि एक सीमित दायरे में फिलहाल बाजार कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहां से ना तो अभी एक बार बहुत तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ना ही बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद है। तो रूपा जी के मुताबिक सोयाबीन में ना ही बहुत ज़्यादा तेजी की उम्मीद नज़र आ रही है अभी, ना ही बहुत ज़्यादा गिरावट की।